विकास योजना और उसके चरण। जैसे जैसे पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हो रही हैं, वैसे वैसे हमारे देश के गांवों की सूरत बदल रही है। आज शहरों के साथ साथ गांवों का विकास भी हो रहा है। किसी भी मायने में आज गांव शहरों से पीछे नहीं है। गांव में ही रोजगार के अन्य कई साधन उपलब्ध हो गए हैं। ये कमाल GPDP यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का है। आज पंचायती राज के सहयोग से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांव-गांव में GPDP के कार्य हो रहे हैं। GPDP के तहत भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग समाज के विकास कार्यों के लिए किया जाता है। इसे हम ग्राम पंचायत की विकास योजना कह सकते हैं। GPDP की जरूरत। किसी भी अन्य संस्था, संगठन या समूह की तरह पंचायतों को भी हर स्तर पर प्रभावी योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। GPDP के माध्यम से पंचायतें स्थानीय स्तर पर कई योजनाएं चलाती हैं, जिससे कई लाभ होते हैं। जैसे GPDP पंचायतों को बेहतर दिशा प्रदान करती है। GPDP से संसाधनों का उचित उपयोग होता है। GPDP से स्थानीय परेशानियां दूर होती हैं। GPDP पंचायत बजट को बनाने में सहायक है। GPDP सामाजिक और आर्थिक समानता लाती है। बेहतर योजना से पंचायत स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। चलिए इस एनिमेशन की सहायता से GPDP के प्लान साइकिल को समझते हैं। एनवायरमेंट क्रिएशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का रिकॉर्ड, स्थितिगत विश्लेषण, ग्राम सभा की बैठक, संसाधनों की पहचान, GPDP को स्वीकृति, निगरानी, एनवायरमेंट क्रिएशन। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतें एनवायरमेंट क्रिएशन की योजना भी बनाती हैं। एनवायरमेंट क्रिएशन के तहत पंचायत प्रतिनिधि आपसी सहयोग से किसी मुद्दे को उठाते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसका हल निकालते हैं। इन सभी कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे सभी लोगों को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत विकास योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लाउडस्पीकर पर घोषणा करके जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, स्थानीय लोक नाटक कलाओं का उपयोग किया जाता है, बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को जरूरी जानकारी दी जाती है, स्वयं सहायता समूहों की सहायता से अभियान चलाए जाते हैं, जन समूहों को पत्र लिखा जाता है ताकि वो योजनाओं के विभिन्न चरणों में अपना योगदान दे सके। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एक साथ जोड़कर लोगों को जागरूक करने के लिए व समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसके केंद्र बिंदु इस प्रकार हैं: प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का रिकॉर्ड। GPDP योजना को बनाने के लिए जरूरी है कि सभी आंकड़ों को सही सही रिकॉर्ड किया जाए।
इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए GPDP के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। प्राइमरी डेटा का मतलब प्राथमिक डेटा से है, ये वो डेटा है जो पहली बार एकत्र किए जाते हैं। सेकेंडरी डेटा का मतलब द्वितीय डेटा से है, ये वो डेटा है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए हैं। स्थितिगत विश्लेषण। स्थितिगत विश्लेषण का मतलब किसी विशेष स्थिति से जुड़े सभी कारकों की पहचान और मूल्यांकन से है। स्थितिगत विश्लेषण को अगर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए तो वित्तीय घाटा कम हो सकता है और विकास कार्यों में तेजी आ सकती है। ग्राम सभा की बैठक। GPDP विकास योजनाओं के लिए ये जरूरी है कि समय समय पर ग्राम सभा की बैठक की जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए। GPDP के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाए। संसाधनों की पहचान। किसी भी योजना की सफलता संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है, इसलिए GPDP के तहत ये जरूरी है कि अपने क्षेत्र के संसाधनों की पहचान कर उसका उपयोग इस तरह किया जाए जिससे आर्थिक और सामाजिक लाभ हो। GPDP को स्वीकृति। सभी कार्यों को करने के बाद GPDP की योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। विकास कार्यों के लिए ये जरूरी है कि सभी विकल्पों की तुलना करने के बाद GPDP के तहत सही विकल्प को चुना जाए। एक अच्छा विकल्प वही है जिससे कोई काम सरलता से हो जाए। सही विकल्प किफायती और कार्यों को प्रभावी तरह से करने में सहायक होता है। इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा विकल्प पंचायत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। निगरानी। योजना बनाने के बाद अब बारी है कि GPDP के तहत होने वाले कार्यों पर निगरानी रखी जाए और ये तय किया जाए कि उसका जमीनी स्तर पर किस तरह से पालन हो रहा है। समय समय पर निगरानी और नियंत्रण के लिए ऐसा करना जरूरी है। ध्यान रहे कि GPDP के तहत योजना बनाना और उसका पालन करना जरूरी है। GPDP के तहत सही योजना बनाएं, गांव के विकास में साथ निभाएं।